बताइए जैन साहब। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन वंस अगेन अनिल जी, और जैन साहब के जेम्स में आज मैं लाया हूँ यूनाइटेड टी, यूनाइटेड नीलगिरीज बोलते हैं, यूनाइटेड टीम भी बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और आज चाय दिवस है अनिल जी, आज टी डे है, और कुणाल जी की खूब याद आई आज मुझे सुबह सुबह। तो मैं हालांकि स्टॉक दो तीन मेरे अलग अलग थे पिटारे में, मगर मैंने सोचा कि नहीं आज मैं चाय से रिलेटेड स्टॉक दूं, और चाय का दिन है और ये बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। मैं इसकी कंपनी के बारे में क्या बताऊं अनिल जी, मैंने जब फर्स्ट टाइम मतलब मीडिया पे जब इस स्टॉक को लाया तो बहुत जबरदस्त मतलब इसका वो था कि मैं परफॉर्मेंस क्या बताऊं, मैं तीन चार दिन तक सर्किट नहीं खुला था। और वैसे ही मैं लास्ट ईयर भी मुझे याद है आपके साथ मैंने मॉर्निंग शो में दिया था, तभी भी 20% का सर्किट इस स्टॉक में लगा था, क्योंकि ये स्टॉक वाकई में बहुत क्वालिटी स्टॉक है। और पिछले 5-7-10 दिनों में मैंने काफी बार कोशिश की, बट परफॉर्मेंस था और थोड़ा लिक्विडिटी कम है तो हमेशा रहता, बट मैंने आज सोचा कि नहीं आज मुझे देना है, क्योंकि आज चाय का दिन है, टी डे है। और टी स्टॉक्स में देखिए अनिल जी बहुत डिफिकल्ट है, स्टॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। कुछ टी स्टॉक्स में मैं थोड़ा गलत भी पड़ा हुआ हूं पास में, ऐसा नहीं है। और मैंने देखा है किस तरीके से, देखिए आपने मैक्लोइड रसल जो सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, सारे अपने चाय बागान बेच के किस तरीके से अब ऑलमोस्ट डिबैकल है, मतलब और एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था। सो चाय स्टॉक्स में एक क्वालिटी स्टॉक मिलना और वो भी यूनाइटेड टी जैसा, बहुत जबरदस्त बात है। मैं स्टॉक के बारे में दो तीन चीजें बताऊंगा, सिर्फ 13 के पी मल्टीपल पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 1.13 है, और ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त है, 27.5% का था इस बार, और जून का क्वार्टर कंपनी का बहुत जबरदस्त था, 2 करोड़ 18 लाख लास्ट 2019 जून में था, और उसके सामने डबल प्रॉफिट से 4.87 सीआर के, जीरो डेट कंपनी, टीटीएम बेसिस पे वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स दी है, कमोडिटी स्टॉक है। मेरे को ट्विटर पे किसी ने ट्रोल भी किया था एक बार कि ये बार बार ये यूनाइटेड टी जाता ऊपर है नीचे आता है, तो मैं एक कमोडिटी स्टॉक के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स एक अपने रेंज पे जाते हैं, फिर अभी चाय का टाइम चल रहा है जबरदस्त, अभी प्राइसिंग अच्छी चल रही है, कई बार हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नीलगिरीज के बारे में जब भी चाय के स्टॉक्स की बात होती है तो मुझे लगता है। और चेयरपर्सन देखिए सबसे बढ़िया बात है मल्लिका श्रीनिवासन जी, टीवीएस ग्रुप से रिलेटेड है, वो चेयरपर्सन है, और टेफे की भी, जो टेफे बहुत बड़ी ट्रैक्टर्स की ब्रांड है, उसकी भी वो चेयरपर्सन है, आईएसबी, आईआईटी चेन्नई और भारतीदासन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी शख्सियत है जो इस कंपनी की चेयरपर्सन है। बल्क टी, स्पेशल टी, हर्बल टी, ऑर्गेनिक टी, इन सब में कंपनी है, 1922 से कार्यरत है ये कंपनी, मुझे लगता है कि 425 का टारगेट ये स्टॉक अचीव कर लेगा। और दूसरे जो जैन साहब के जेम्स है, जबरदस्त धूम मचा रहे आईटी स्टॉक्स, सिग्निटी और सैक्सॉफ्ट, ये देखिए, बाकी और बहुत सारे हैं बट ये दो को मैंने पर्टिकुलरली बोला क्योंकि अभी दीपांशु जी ने बोला था कि आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त धूम मची हुई है मिड कैप आईटी में, तो मैं सैक्सॉफ्ट आज भी जबरदस्त है, मतलब जहां लेवल से वहां से तो बहुत ऊपर आ चुका है टारगेट के ऊपर भी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज का स्टॉक यूनाइटेड नीलगिरी टी, जिसके यूनाइटेड टी के नाम से भी आप जानते हैं, और यहाँ पर आपको 425 के टारगेट के लिए करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ